अरे हा? लगता है रजनीश आ गया। चलो चलो निकलो यहाँ से। इधर आ, इस बोगी में। चल। Hey गार्ड, ये सब क्या हो रहा है? कुछ लोग यहाँ पर लड़ रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ ब्रेक का कंट्रोल सिर्फ ड्राइवर के पास ही होना चाहिए। ट्रेन स्टार्ट करो। ठीक है, करता हूँ। मेरे मामा को उंगली दिखाता है तेरे तो। ए बेलू, गाड़ी रुको, लगता है एक्सीडेंट हुआ है। रजनीश मेरी बात सुनो। रजनीश
मेरे मामा को मारा तूने? ये तो रजनीश! नहीं रजनीश, रुक जा! नहीं नहीं रजनीश! रजनीश, रंगीला के भाई की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बुलाया तो था लेकिन वो डॉक्टर के पास गया हुआ है। शाम तक हम भी चलते हैं। रजनीश, हमने देखी, क्या हो रहा वहां पे? रिश्तेदारी? तेरा मामा मेरा दुश्मन है, मेरे गले में अटका हुआ काटा है वो। उसे जब तक मैं मार नहीं लेता, दम नहीं लूंगा। चाचा जी, हम सबकी रगों में एक ही खून है। खून चाहिए मुझे? ना, दे अपना खून, दे मुझे खून। चाचा जी, ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या ये चाचा चाचा लगा रखा है? क्या मैं तेरे बाप का भाई हूँ? क्या तेरी माँ का दूसरा पति हूँ? मामी आप जाओ, मैं कह रहा हूँ आप जाओ यहाँ से। Thank you.
मामी, मेरी बात सुन। इतने साल में तुम्हारे साथ रहा, तुझ पर बुरी नजर भी रखता था, मगर कभी कुछ किया नहीं। तेरा भाई कहता है कि वो शहर में नंबर वन है और मैं नंबर टू हूँ। एक बार तुझसे शादी हो गई तो मैं नंबर वन बन जाऊंगा। जनार्दन, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। शकुंतला देवी का पति और पीवीएस ग्रुप का दामाद, बस यही चाहिए मुझे, यही और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। मामी, मंगल सूत्र मैं पहनाऊंगा, उसके बाद चाहे तू सरवन के साथ जा या किसी और के साथ जा, मुझे कोई परवाह नहीं है। बेशरम इंसान, क्या बकवास कर रहा है तू? आवाज नीचे रख, मुझे देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। शादी के एक हफ्ते बाद ही पति को छोड़कर मायके में रहने लगी, हमेशा उसका अपमान करती रही और आज कहती है कि सरवन ही मेरा पति है। पागल समझा है क्या मुझे? ये अपना पतिव्रता बनने का नाटक बंद कर। तेरे मामा के साथ रहकर आ गई तो तेरी मामी हो गई। इस तरह से तो मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल बोल, मुझे भी मामा बोल, मैं भी तेरा मामा हूँ। बोल, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। क्या हुआ बेटी?